जलगांव के एरोंडेल के ऐतिहासिक मस्जिद पर कलेक्टर ने लगवाए ताले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुलवाया। 2 सप्ताह बाद फिर होगी अगली सुनवाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह भर से सुर्खियों में है महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एरोंडेल तहसील की एक मस्जिद। इस मस्जिद को जलगांव के जिलाधिकारी अमन मित्तल ने एक हिंदूवादी संगठन की शिकायत के बाद सीआरपीसी की धारा 144 145 के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसे विवादित क्षेत्र बताते हुए इस पर ताला लगा दिया। एरोंडेल की नगर परिषद को आदेश दिया कि इसको ताला लगा दिया जाए। ट्रस्टियों को आदेश दिया कि ताला लगा करके वो चाबी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को सौंप दे। ये 11 जुलाई को कलेक्टर अमन मित्तल ने आदेश पारित किया था। उससे पहले आपको बता दे कि यहां पर पांडववाड़ा संघर्ष समिति है और इसके मुखिया है आरएसएस भाजपा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में सक्रिय रहने वाले प्रसाद मधुसदन दंडवते। प्रसाद मधुसदन दंडवते और उनके इस संगठन पांडववाड़ा संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी के पास एक लिखित शिकायत की कि एरोंडेल की ये मस्जिद जो है वो इसकी प्रतिकृति, इसका निर्माण कार्य, इसका ढांचा किसी मंदिर के जैसा लगता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक यहां पर मस्जिद में होने वाली नमाज और तमाम गतिविधियों को रोक देना चाहिए। कलेक्टर यानी जिलाधिकारी अमन मित्तल ने इस पर सुनवाई रखी और खुद बिजी रहे, सुनवाई हुई नहीं। मस्जिद ट्रस्ट ने इसमें सुनवाई के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए जिलाधिकारी से और समय मांगा, मगर जिलाधिकारी अमन मित्तल ने समय नहीं दिया और सीधा सीधा आदेश 11 जुलाई को पारित कर इस मस्जिद को नमाज के लिए बैन कर दिया, मुसलमानों के एंट्री के लिए बैन कर दिया और इसकी चाबी ट्रस्टियों को स्थानीय नगर परिषद मुख्याधिकारी को सौंपने के लिए कहा। यह सारा आदेश मानने के बाद एरोंडेल की ये जो मस्जिद है उसके ट्रस्टी है अल्ताफ खान, ये इनके वकील एसएस काजी है, इनके जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने पहले 13 जुलाई को 2 जजों की बेंच के सामने इसकी सुनवाई आई तो 2 जजों की बेंच ने देखा कि ये 1 जज की बेंच के सामने यानी सिंगल जज बेंच पे चलने वाला ये सुनवाई किया जाने वाला मामला है तो उन्होंने सिंगल जज की बेंच आरएम जोशी के पास भेज दिया। आरएम जोशी की बेंच के सामने 18 जुलाई को इसकी सुनवाई निश्चित थी। सुनवाई होने के बाद आरएम जोशी ने कलेक्टर अमन मित्तल के इस आदेश पर स्टे लगा दिया, उनके आदेश को एक तरफ कर दिया और अगली सुनवाई इसकी 27 जुलाई को रखी है। वहीं अपने आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के जज आरएम जोशी ने स्पष्ट तौर पर कलेक्टर के आदेशों को स्थगित करते हुए मुसलमानों को यहां नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी है और साथ ही फौरन कलेक्टर को आदेश दिया है कि मस्जिद की चाबियां जो है वो ट्रस्टियों को सौंप दे। अब जो भी निर्णय होगा वो 27 जुलाई की सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय होगा। तब तक मुसलमानों के प्रवेश पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं, मुसलमान यहां आ जा सकते हैं और चाबियां भी ट्रस्ट के पास रहेगी। वहीं ट्रस्टियों का दावा है कि ये मस्जिद नेशनल हेरिटेज में, राष्ट्रीय स्मारकों में, खुद सरकार ने इसको शामिल किया है, वक्फ बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन है और लगभग 800 साल पुराना इस मस्जिद का इतिहास है। इसके बावजूद कलेक्टर अमन मित्तल ने सुनवाई के लिए पूरा मौका नहीं दिया, पक्ष सुनकर नहीं लिया और पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए एक तरफा फैसला लेते हुए ये आदेश पारित किए। बहरहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है। एरोंडेल की ये मस्जिद फिर एक बार मुसलमानों के नमाज के लिए खुल गई है। अब फैसला 27 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के आरएम जोशी जज की बेंच क्या देती है, इस और सबकी नजरें लगी हुई है।